हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू लेसन आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या है और उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो उसके पहले व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, see the substance which when dissolved in water gives preparation of positive and negative ions, ठीक है, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जो पानी में डालने पर दो आयंस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जिसके मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में पार्टिकल जो आयंस बना सकते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, या फिर जिसके एक्वियस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंस हुज एक्वियस सॉल्यूशन हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी और द सब्सटेंस फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास टू देयर एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, जिसके आयंस बन सकते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में, एकदम सिंपल। The substance whose aqueous solution contains positive and negative ions. ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डालने पर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन बना सकता है उसे बोलते हैं बच्चे को इलेक्ट्रोलाइट। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उसके बाद में आयनिक इक्विलिब्रियम के पास आऊंगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, फर्स्ट वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पानी में डालने पर दो आयंस बना रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब पानी में तुम कोई पार्टिकल डाल रहे हो और दो आयंस बना रहे हो, लेकिन ऐसा पार्टिकल जो पानी में डालने पर मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना है उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट्स कंप्लीटली। सीधी सी बात है, तो पानी में डाल रहा है तो डिसोसिएट हो, डिसोसिएट हुआ तो दो आयंस बनाए, कौन से आयंस बनाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो क्या बोल रहा हूँ, जब तू पानी में डाल रहा है तो डिसोसिएट्स कंप्लीटली मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस बना रहा है, सही है। द इलेक्ट्रोलाइट विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर Dissociates completely। जब तूने इलेक्ट्रोलाइट लिया पानी में डाला, ठीक है, तो डिसोसिएट हुआ कंप्लीटली मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल लो, चलो HCl, H2SO4, NaCl etc. Second, weak electrolyte, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जब तूने पानी में डाला और थोड़ा सा ही पार्टिकल टूटा, मतलब तूने सपोज 100 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लिया और 100 ग्राम में से 99 ग्राम या फिर 100 का 100 ग्राम पानी में टूट गया तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन तूने 100 ग्राम लिया और पानी में डाला
और उसमें से 5 या 10 ग्राम ही डिजोल्व हुआ, मतलब ज्यादा नहीं डिजोल्व हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, व्हाट इज इट कॉल्ड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ज्यादा डिजोल्व नहीं हुआ मतलब वो ज्यादा आयंस नहीं बना रहा है, वो ज्यादा आयंस नहीं बना रहा है, सही है ना, ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं बना रहा है, तो उसे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट्स फीबली, फीबली मतलब 100 ग्राम में से 4 या 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम डिसॉल्व होते, यहाँ पे कितना ग्राम, 99 ग्राम, 90 ग्राम से ऊपर ही ज्यादातर डिजोल्व हो गया, तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ज्यादातर डिजोल्व हुआ मतलब ज्यादातर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बना, यहाँ पे ज्यादातर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं बनेगा, तो उसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट विच व्हेन dissolved in water dissociates feebly, example CH3COOH acetic acid, example क्या है CH3COOH, okay, weak electrolyte। तो जब पानी में इसे डालता है, सीधी सी बात है, acetic acid हम लोग खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं चाइनीज में, भावे को पता भी होगा बच्चों, दैट इज विनेगर के फॉर्म में, सीधी सी बात है, HCl H2SO4 मतलब ये वीक पार्टिकल है इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा, सही है ना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट आयनिक इक्विलिब्रियम, what is ionic equilibrium, the equilibrium developed between the ions and its solution, ठीक है, ions और उसी के particles में, solution के जो particles है उसमें जो equilibrium develop होता है उसे बोलते हैं, what is it called, ionic, what is equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of backward, जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है, मैं बताऊंगा बराबर से, see you, पहले definition लिख लेना, the equilibrium developed between the ions and its molecules is called ionic equilibrium, the equilibrium developed between the ions and its molecules, ठीक है, तो molecule मैं लेता हूँ CH3COOH, जिसको मैंने पानी में डाला, तो ये कितना टूटता है, थोड़ा सा, इधर बना CH3COO minus plus H plus, तो क्या हो रहा होगा, सपोज तूने 100 ग्राम का CH3COOH लिया, ठीक है, और यहां पर ठीक है 10 ग्राम इसमें से आयंस बना लिए, 10 ग्राम, तो 90 ग्राम बच गया ना भाई, 90 ग्राम 90 ग्राम, ठीक है, मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं, बन सकते यहां 100 ग्राम था तो 100 ग्राम में से यहां पे कितना ग्राम बच गया भाई, 90 ग्राम, और 10 ग्राम यहां पे आयंस बना लिए CH3COOH, बराबर देखो मैं बताता हूं अच्छे से, 90 ग्राम बच गए, 100 ग्राम लिया था, 10 ग्राम के आयंस बन गए, 10 ग्राम के आयंस बन गए, तो हो सकता है ना जब तू पानी में डाल रहा है तो इसमें से क्या हो रहा होगा, जरा बराबर सोचो, इसमें से क्या हो रहा होगा, इतने बन गए तो ये क्यों नहीं टूट रहा, शायद ये टूट रहा होगा, शायद थिंक करो, तो इसमें से फिर से 10 ग्राम मिक्स हो गए, मतलब कितना बचे, 80 ग्राम, और ये जो है फिर से मिक्स हो गया, मतलब ये 10 ग्राम वापस आ गया, इधर से 10 ग्राम कम होकर इधर आ गया, आयंस बन गए और ये 10 ग्राम वापस आ गया, देख रहे हो बच्चों, मतलब जितने पार्टिकल आगे जा रहे हैं उतने पार्टिकल पीछे आ रहे हैं, फिर से एक बार देखो,
ये 90 ग्राम है, इधर 10 ग्राम से, तो ऐसा शायद हो रहा होगा कि इसमें से और थोड़ा डिजोल्व हो गया। कितना ग्राम हो गया? 10 ग्राम डिजोल्व हो गया, मतलब 10 ग्राम इधर बन गए, और ये जो है ये फिर से रिएक्ट हो रहे होंगे दोनों, 10 ग्राम के पार्टिकल रिएक्ट होकर वापस आ रहे, तो वापस आ गया मतलब 10 ग्राम इधर से इधर कम हो गया, मतलब 80 आ गया, और ये 10 ग्राम वापस आ गया, मतलब देखो 10 और ये 80 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा फिर से। मतलब जितना पार्टिकल कन्वर्ट हो रहा होगा इधर से इधर, उतना ही पार्टिकल इधर से इधर कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल, बर्फ देखा होगा आइस कंट्रीज में, अगर तुम देखते हो तो बर्फ के नीचे पानी रहता है। अगर मैं घर का बर्फ लाऊं पानी में तो बर्फ पूरा पिघल जाएगा, लेकिन बर्फ के नीचे पानी भी रहता है, बर्फ भी रहता है और पानी भी रहता है। मतलब शायद ऐसा हो रहा होगा, जितना बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही पानी बर्फ में कन्वर्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से बर्फ भी रहता है और पानी भी रहता है। दैट इज द कंसेप्ट। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, समझ में आ रहा है बराबर से? दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। किसके बीच में? आयंस और उसी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इक्विलिब्रियम डेवलप होता है तो उसे बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।